एविडेंस लॉ लेक्चर के इस वीडियो सीरीज में आज हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कन्फेशन के बारे में बात करेंगे विथ प्रॉपर नोट्स इलस्ट्रेशंस एंड विथ केस लॉज। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो कन्फेशन के जितने भी फॉर्म्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आपके पास एक अच्छा नोट्स भी तैयार हो जाएगा। एग्ज़ाम में अगर कन्फेशन से क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। देखो, अपने अब तक के वीडियोस में हमने एडमिशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा है, हमने कन्फेशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा है, हमने कन्फेशन के जनरल मीनिंग को समझा है। हमने ये जाना कि एक तरफ जहां एडमिशन सेक्शन 17 में डिफाइंड है, वहीं कन्फेशन कहीं भी एविडेंस एक्ट में डिफाइंड नहीं है, राइट। सेक्शन 17 से लेकर के सेक्शन 23 एंड सेक्शन 31 तक के जो प्रोविजंस हैं वो डील करते हैं एडमिशन से, वहीं सेक्शन 24 टू 30 डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू कन्फेशन। अब क्योंकि हमने कन्फेशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो आज के इस वीडियो में हम कन्फेशन के डिफरेंट फॉर्म्स को समझेंगे। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो सबसे पहले आपको वो वीडियो देखना चाहिए, राइट, तभी आज का ये जो वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। चलिए देखो, तो व्हाट इज कन्फेशन? कन्फेशन इज एन एडमिशन। कन्फेशन क्या है? एडमिशन है, राइट। जब आप किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को एडमिट करते हो क्रिमिनल केसेस में इन रिगार्ड्स ऑफ द ऑफेंसेस एलिज्ड ऑन यू, जिन ऑफेंसेस का चार्ज आपके अगेंस्ट लगा है, उसके रिगार्ड में जब आप किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को एडमिट करते हो तो वो जो एडमिशन है वो कहलाता है कन्फेशन, राइट। तो क्या है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कन्फेशन? देखो, कन्फेशन के डिफरेंट फॉर्म्स को हम तीन कैटेगरीज में रख सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ इन फ्रंट ऑफ पर्सन टू हूम इट इज मेड। और तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल कंडीशन। ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल कंडीशन। तो हम कन्फेशन को इन तीन पार्ट्स में रख सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट, विच मीन्स आप किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को क्रिमिनल केसेस में एडमिट कर रहे हो स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो वो कहलाएगा कन्फेशनल स्टेटमेंट। हमने जाना था कि ये जो हमारा फॉर्मूला है कन्फेशन इज इक्वल्स टू एडमिशन,
एडमिशन इज इक्वल्स टू स्टेटमेंट, राइट। तो आपने किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को एडमिट किया स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो वो कहलाएगा कन्फेशनल स्टेटमेंट। और जब कभी भी कन्फेशन स्टेटमेंट के फॉर्म में होगा तो उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी दैट कन्फेशनल स्टेटमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट, एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट, और दूसरा इनकल्पेटरी स्टेटमेंट। यानी आप कह सकते हो कि कन्फेशनल स्टेटमेंट कैन बी ऑफ टू काइंड्स, एक्सकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट एंड इनकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट। राइट। अच्छा, कन्फेशन ऑन द बेसिस ऑफ इन फ्रंट ऑफ पर्सन टू हूम इट इज मेड। अब कन्फेशन आप किस पर्सन के सामने कर रहे हो, इसके बेसिस पे कन्फेशन के तीन टाइप्स हो सकते हैं। पहला जुडिशियल कन्फेशन, जब आप अपने गिल्ट को मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने कन्फेश करते हो तो वो कहलाता है जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, मजिस्ट्रेट और कोर्ट को छोड़ करके किसी भी पर्सन के सामने आप कन्फेश करते हो तो वो कहलाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, राइट। तीसरा है रिट्रैक्टेड कन्फेशन, राइट। और ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल कंडीशन दो तरह के कन्फेशन हो सकते हैं। पहला वॉलेंट्री और दूसरा इनवॉलेंट्री। तो अपने आने वाले क्लासेस में हम कन्फेशन के जितने भी फॉर्म्स हैं, जैसे जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, रिट्रैक्टेड कन्फेशन, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, इन सभी फॉर्म्स को समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम केवल और केवल एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट और इनकल्पेटरी स्टेटमेंट, यानी एक्सकल्पेटरी कन्फेशन और इनकल्पेटरी कन्फेशन को ही समझेंगे प्रॉपर नोट्स के साथ, प्रॉपर एग्जांपल्स एंड केस लॉज के साथ, राइट। चलिए, तो आई होप यहाँ तक का जो मैटर है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट देयर कैन बी टू काइंड्स ऑफ कन्फेशन, एक्सकल्पेटरी कन्फेशन एंड इनकल्पेटरी कन्फेशन। और आप ऐसे कह सकते हो कि व्हेन अक्यूज्ड गिव्स कन्फेशन इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, सच कन्फेशनल स्टेटमेंट मे बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स और इनटू टू पार्ट्स, एक्सकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट एंड इनकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट, राइट। चलिए, व्हाट इज एक्सकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट? देखिए,
एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट को या एक्सकल्पेटरी कन्फेशन को जब आप पढ़ोगे तो हमेशा एक्सक्लूड वर्ड को मेमोराइज करोगे, एक्सक्लूड वर्ड को ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो एक्सकल्पेटरी कन्फेशन मीन्स एक्सक्लूड, राइट। देखो, ऐसे कन्फेशनल स्टेटमेंट जो एक्यूज्ड को एक्सक्लूड करते हो फ्रॉम हिज इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम नोन एज एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट, राइट। ऐसे कन्फेशनल स्टेटमेंट जो एक्यूज्ड को कल्प्रिट बनने से बचाते हो या कल्प्रिट साबित होने से बचाते हो वो कहलाते हैं एक्सकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट। यानी सच स्टेटमेंट्स बाय विच अ पर्सन इज एक्विटेड फ्रॉम द क्राइम वो कहलाएंगे एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट और एक्सकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट, राइट। तो सच कन्फेशनल स्टेटमेंट बाय द हेल्प ऑफ विच एन अक्यूज्ड गेट एक्विटेड, एन अक्यूज्ड गेट्स एक्विटेड फ्रॉम क्राइम वो कहलाता है एक्सकल्पेटरी कन्फेशन, राइट। इनकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट एक्सकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट का ठीक ऑपोजिट कहलाता है इनकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट। इनकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट ऐसे कन्फेशनल स्टेटमेंट होते हैं जो एक्यूज्ड के क्राइम में इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर करते हो, राइट। या आप कह सकते हो कि ऐसे कन्फेशनल स्टेटमेंट जो एक्यूज्ड को कल्प्रिट साबित करते हो वो कहलाते हैं इनकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट, राइट। तो इफ अ कन्फेशन बाय एन एक्यूज्ड इज गिवन इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट सच स्टेटमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट एंड इनकल्पेटरी स्टेटमेंट, राइट। अब देखो, तो इनकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स आर दोज स्टेटमेंट्स विच एंश्योर योर प्रेजेंस इन कमिटिंग क्राइम, राइट। चलो, अब एक केस है, आपके बेयर एक्ट में ये केस दिया हुआ है, इसके कंटेंट को केवल हम समझेंगे, ठीक है। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कन्फेशन और एडमिशन को या तो हमें
कंप्लीटली एडमिट करना है या तो कंप्लीटली रिजेक्ट कर देना है, राइट। तो इन दिस पर्टिकुलर केस सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट कन्फेशन एंड एडमिशन मस्ट आइदर बी एडमिटेड एज होल, या तो हमें कन्फेशन को या एडमिशन को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है या तो पूरी तरह से डिनाई कर देना है। अब ऐसा नहीं है कि एडमिशन के या कन्फेशन के एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम एडमिशन के एक पार्ट को एक्सेप्ट करें और दूसरे पार्ट को रिजेक्ट कर दें। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम एक पॉइंट ऑफ टाइम में कन्फेशन के एक पार्ट को एक्सेप्ट करें और दूसरे पार्ट को डिनाई कर दें। अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम एडमिशन को या कन्फेशन को कंप्लीटली एक्सेप्ट करें। इन केस वी आर डिनाइंग एडमिशन और कन्फेशन तो हमें उसे पूरी तरह से डिनाई करना है, रिजेक्ट करना है, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो केवल इनकल्पेटरी पार्ट ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करे और एक्सकल्पेटरी पार्ट को डिनाई कर दे, राइट। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या था? देखो, इस पर्टिकुलर केस में अ लेडी स्टेटेड दैट, लेडी ने यह कहा कि हस्बैंड टुक पॉइजन बाय मिस्टेक एंड डाइड। मेरे हस्बैंड ने पॉइजन बाय मिस्टेक खा लिया था और एज ए रिजल्ट ही डाइड। और आगे उसने कहा कि शी आउट ऑफ फियर पुट हिज बॉडी इनटू अ ट्रंक एंड थ्रू इट इनटू विल। और उसने डर के मारे अपने हस्बैंड के बॉडी को एक ट्रंक में, एक बड़े से बक्से में रखा और विल में, कुएं में फेंक दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उस लेडी का जो कन्फेशन है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में है, और ये जो स्टेटमेंट है इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, पहला एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट और दूसरा इनकल्पेटरी स्टेटमेंट। अभी हमने ये समझा कि कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो कन्फेशनल स्टेटमेंट के इनकल्पेटरी पार्ट को एक्सेप्ट करे और एक्सकल्पेटरी पार्ट को डिनाई कर दे, विच मीन्स कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो कन्फेशनल स्टेटमेंट के उस पार्ट को एडमिट करे जो आपके क्राइम में इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर करती हो। यानी कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो इनकल्पेटरी पार्ट ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट को एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक्सेप्ट करे और एक्सकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट जो आपके उस क्राइम में इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर नहीं करती है या जो आपके क्राइम में इन्वॉल्वमेंट को कम करती हो, रेस्ट्रिक्ट करती हो, तो उसे डिनाई कर दे। इस पर्टिकुलर केस में यही कहा गया कि कन्फेशन और एडमिशन को हमें कम्प्लीटली एक्सेप्ट करना है या कम्प्लीटली डिनाई करना है, राइट। अब देखो, अब अगर उस लेडी के कन्फेशनल स्टेटमेंट को हम देखें तो पहला पार्ट क्या कहता है कि हस्बैंड टुक पॉइजन बाय मिस्टेक एंड डाइड, और दूसरा शी आउट ऑफ फियर पुट हिज बॉडी इन अ ट्रंक एंड थ्रू इट इन टू वेल। अब देखो, लोअर कोर्ट ने उसके
लेटर पार्ट ऑफ स्टेटमेंट पर रिलाई किया और उसे आईपीसी के सेक्शन 201 के तहत कॉन्विक्ट किया। आईपीसी का सेक्शन 201 क्या कहता है? सबूत मिटाने की कोशिश करना, उससे छेड़छाड़ करना, ये क्या है? अपराध है। तो आईपीसी के सेक्शन 201 के तहत उस लेडी के कन्फेशनल स्टेटमेंट के लेटर पार्ट पर यानी सेकंड पार्ट पर रिलाई करते हुए लोअर कोर्ट ने उसे कॉन्विक्ट किया आईपीसी के सेक्शन 201 के तहत। लेकिन अगर उस लेडी के कन्फेशनल स्टेटमेंट के पहले पार्ट को हम देखें जहां वो ये कहती है कि हस्बैंड टुक पॉइजन बाय मिस्टेक एंड डाइड, तो यहां ये लगता है कि उसके हस्बैंड का जो डेथ था वॉज कम्प्लीटली एक्सीडेंटल, वो एक्सीडेंटल था और उसके हस्बैंड के डेथ में उसका किसी प्रकार से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। यानी दिस शोज एक्सकल्पेटरी पार्ट ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट वॉइल लेटर पार्ट ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ इनकल्पेटरी स्टेटमेंट। तो लोअर कोर्ट ने उसके लेटर पार्ट पे रिलाई किया और उसे कॉन्विक्ट कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम उस लेडी के फर्स्ट पार्ट ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट को देखें तो वो कंप्लीटली एक्विट हो जाएगी क्योंकि उसका किसी प्रकार से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था इन द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्जोनरेट कर दिया, उसे बरी कर दिया, ये कहते हुए कि कन्फेशनल स्टेटमेंट को हम या तो कम्प्लीटली एक्सेप्ट करेंगे या तो कम्प्लीटली डिनाई कर देंगे। हम कन्फेशनल स्टेटमेंट के केवल एक पॉइंट एक पार्ट पर रिलाई नहीं कर सकते, राइट। इसी तरह एक और केस है, निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये भी आपके बेरक में है, निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देयर इज नथिंग रॉन्ग ऑन रिलाइंग वन पार्ट ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट एंड रिजेक्टिंग अदर पार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में यह कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है कि हम कन्फेशनल स्टेटमेंट के एक पार्ट पर रिलाई करते हैं और दूसरे पार्ट को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। कब? जब व्हेन देयर इज इनफ एविडेंस, जब हमारे पास इनफ एविडेंसेस हो टू रिजेक्ट एक्सकल्पेटरी पार्ट ऑफ एक्यूज्ड पर्सन्स स्टेटमेंट। अगर हमारे पास सफिशिएंट एविडेंसेस हैं जो एक्यूज्ड के इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर करती हूँ तो हम एक्यूज्ड के कन्फेशनल स्टेटमेंट के एक्सकल्पेटरी पार्ट को एक्सक्लूड कर सकते हैं, एक्सकल्पेटरी पार्ट पे रिलाई नहीं करेंगे। हम कंप्लीटली इनकल्पेटरी पार्ट पर रिलाई करते हुए उसे कॉन्विक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या है? हमारे पास सफिशिएंट एविडेंसेस होना चाहिए जो एक्यूज्ड के गिल्ट को पूरी तरह से साबित करती हूँ, तभी हम एक्यूज्ड के इनकल्पेटरी पार्ट ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट पर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट
there is nothing wrong on relying one part of confessional statement and rejecting other part. When there is enough evidences are available to reject exculpatory part of accused statement, the court may rely on inculpatory part. ठीक है, तो ये था form of confession on the basis of statement, exculpatory confessional statement and inculpatory confessional statement, जिसमें हमने दो केस लॉज को भी देखा, एक पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और दूसरा निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. तो आई होप कि एक्सकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट और इनकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर मेरे वीडियोस किसी भी मैनर में आपको हेल्प करते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.